ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थीटा इज इक्वल टू जीरो कैलकुलेट कर चुके थे। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास जो इक्वेशन थी डी जेड ओवर डी थीटा था, आगे देखता हूँ बेटा। अपने मेरे पास डी जेड ओवर डी थीटा की जो वैल्यू निकली थी वो ये निकली थी, डी जेड ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर प्लस के आर साइन थीटा प्लस आर माइनस के एच साइन थीटा आर प्लस के आर डिवाइडेड बाई आर इंटू था आर प्लस के आर अपॉन आर। ओके, और मेरे पास आ चुका था थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है ना, आगे की बात करता हूँ। ये देखो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो आ चुका था मेरे पास। क्लियर है ना, आगे चलता हूँ बेटा। मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए। मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कितना निकल गया भाई, इधर तो हुआ मेरे पास बेटा डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू भाई माइनस आर प्लस के आर, तो ये है डी ओवर डी थीटा, ये तो हो चुका मेरा साइन थीटा प्लस ये हुआ बेटा आर माइनस के एच और इनटू हुआ ये आर प्लस के आर अपॉन आर और यहाँ हुआ डी ओवर डी थीटा साइन थीटा आर प्लस के आर अपॉन आर। क्लियर है ना, ये वाली वैल्यू क्लियर। अब जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा बेटा, ये मेरे पास जो निकला ये निकला डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ भाई माइनस आर प्लस के आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ कोस थीटा माइनस। क्लियर है ना, सॉरी ये प्लस, ये तो जूँगा तो है ही आर माइनस एच और ये हुआ बेटा आर प्लस के आर अपॉन आर इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ मेरे पास कोस थीटा आर प्लस के आर अपॉन आर और इसका गुणांक थीटा का, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। मैं कहना चाह रहा हूँ कि थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पर, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पर, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पर मेरे पास कितना निकलेगा बेटा, ये होगा यहाँ से डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये होगा आर प्लस के आर होता है कोस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, आप जानते हो वन हो चुका। अगले वाला स्टेप मेरे पास निकला बेटा प्लस आर माइनस एच और ये हुआ बेटा आर प्लस आर अपॉन स्मॉल आर का कंप्लीट स्क्वायर और ये थीटा की वैल्यू डालते ही, ठीक है ना, ये टोटल का टोटल जब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो डालूँगा ये हो जाएगा वन। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे पास निकला डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर प्लस के आर और ये हुआ बेटा प्लस आर माइनस एच अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर का स्क्वायर। मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, ये हुआ मेरे पास डी टू थीटा डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर। मैंने इसके अंदर से कॉमन क्या लिया भाई, ये वाला स्टेप कॉमन ले लिया आर प्लस के आर अपॉन आर का कंप्लीट स्क्वायर, मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो है ध्यान से देखना बेटा, जब मैंने कॉमन लिया ओके भाई, यहाँ से मेरे पास जो बचा, यहाँ मेरे पास बचा आर माइनस के एच, तो हुआ ये आर माइनस के एच और अगले वाले स्टेप में ये जब मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस के एच। देखो आप गुणा करके, जब आपने इसकी गुणा इसके साथ की सीधा स्टेप निकल गया, जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे एक पावर से एक पावर कैंसिल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आर प्लस एच, ये तो बचेगा विद माइनस साइन। क्लियर है ना, पीसी के स्टूडेंट तो समझ सकते हैं। ओके,
आगे की बात करता हूँ भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया। इधर मेरे पास निकला बेटा डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ बेटा आर प्लस के आर अपॉन आर का कंप्लीट स्क्वायर। और यहाँ देखता हूँ, इसको मैंने लिखा आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस के कैपिटल आर, और ये जो माइनस एच है इसको मैंने अलग से लिख दिया माइनस का एच। क्लियर, आगे की बात करता हूँ। यहाँ से निकला बेटा डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन आर अपॉन आर का कंप्लीट स्क्वायर, गुणा करो आप भाई, ये हुआ बेटा मेरे पास आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस के आर और माइनस के एच, इससे ये कैंसिल। क्लियर, यहाँ से हुआ बेटा डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आर का कंप्लीट स्क्वायर, और यहाँ कितना हुआ भाई, ये हुआ बेटा आर एच आर आर अपॉन आर प्लस के आर माइनस के एच। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, मैंने पहले भी वही पॉइंट लिखा था, अब भी वही पॉइंट लिख रहा हूँ। वी नो दैट स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जेड क्या होता है रे, न्यूनतम होता है, यानी कम से कम होता है, न्यूनतम होगा। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जेड मैक्सिमम होगा। और आप जानते हो बेटा, अर्थात मैं इसको सीधा और ध्यान से सुनना, स्टेबल के लिए क्या होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टेबल के लिए मेरे पास होगा डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। आप भी जानते हो मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, बीएससी पार्ट वन। और अनस्टेबल के लिए क्या होता है भाई, अनस्टेबल के लिए ये होगा बेटा डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर लेस देन जीरो। क्लियर, अब आगे की बात कर लेता हूँ भाई, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास सीधा जो निकल करके आएगा बेटा, ये होगा आर प्लस के आर अपॉन आर का कंप्लीट स्क्वायर आर आर अपॉन आर प्लस के आर माइनस एच। पहले ग्रेटर देन जीरो की बात कर लेता हूँ, ग्रेटर देन जीरो भाई ये तो गुणा होकर के ख़त्म हो चुका, क्लियर है ना, ये तो ख़त्म हो चुका ना, इसके डायरेक्ट गुणा में गया, मेरे पास कितना निकला भाई, ये निकला आर आर अपॉन आर प्लस के आर माइनस के एच ग्रेटर देन जीरो। ओके, मीन्स और एक सिचुएशन तो ये होगी, एक बार इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये हुआ बेटा आर आर अपॉन आर प्लस के आर ग्रेटर देन एच, ये किसके लिए होगा, स्टेबल के लिए होगा ना, और अनस्टेबल के लिए होगा सेम आर आर अपॉन आर प्लस के आर लेस देन एच, ये किसके लिए होगा, अनस्टेबल के लिए होगा भाई, आपको तो पता ही है, मैक्सिमा मिनिमा लगा रहा हूँ मैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, इसको देखो आप, मैंने इसको उल्टा किया, उल्टा करने पे ये हुआ आर प्लस के एच अपॉन आर प्लस के आर अपॉन आर आर, ये इनइक्वालिटी चेंज हो चुकी है।
आपको पता है कि उल्टा करने से इनइक्वलिटी चेंज होती है। मैंने दोनों के बटे में डाला, आर अपॉन आर आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर आर लेस देन वन अपॉन एच। क्लियर, एक आर से आर कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, यानी वन अपॉन एच बड़ा हुआ। वन अपॉन एच किस से बड़ा हुआ बेटा, यहाँ निकला वन अपॉन स्मॉल आर प्लस वन अपॉन कैपिटल आर। एक फार्मूला तो निकला ये कि स्टेबल स्टेट के लिए ये होगा मेरे पास, स्टेबल स्टेट के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, समझ आती है बात। और अनस्टेबल के लिए एकदम इसका उल्टा होगा बेटा, ये होगा वन अपॉन एच लेस देन वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर। ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा किसके लिए, अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। सवाल पैदा ये होता है कि सर इन फॉर्मूलों का यूज कहाँ होना है। ओके बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आपको रेडियस दी हुई होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों सर्कल के केस होंगे, तब भी आप, जब भी आपके पास रेडियस का केस होगा डायरेक्टली स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर वाला फार्मूला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए नीचे वाला फार्मूला। फिर कह रहा हूँ अगर आपके पास रेडियस का केस होगा तो डायरेक्ट। ओके अब ध्यान से सुनना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर वन, ये मेरा ग्राफ था वो। नंबर एक, जब नीचे वाला पृष्ठ, नीचे वाला सरफेस, ये देखो आप, ये ऐसे है ना, देखो इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, एक ही सरफेस है मान लो आप, जब नीचे वाला सरफेस जो है आपका सरफेस के पास के समीप क्या हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, कॉनकेव हो, तो उस पोजीशन में आर लेस देन जीरो होगा। ध्यान से सुनना बेटा, कॉनकेव का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना कॉनकेव का मतलब, ये ग्राफ ऐसे है ना, यानी अगर जो है इसके निचले वाला जो पृष्ठ है ना, ये वाला जो पृष्ठ है, जो ग्राफ में आपको दिख रहा है, ये वाला जो पृष्ठ है जिसको जिसके ऊपर मैं लाइन डालते हुए जा रहा हूँ, अगर ये वाला पृष्ठ कॉनकेव हो, अर्थात ये वाला पृष्ठ जो है ना ऐसे हो जाए, उल्टा हो जाए, तो आर जो है उस पोजिशन में नेगेटिव होगा। तब पहली कंडीशन क्या निकलेगी, तो स्टेबल स्टेट का फार्मूला होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मेरे पास फार्मूला होगा बेटा वन अपॉन एच इज ग्रेटर देन वन अपॉन एच ग्रेटर देन वन अपॉन आर माइनस के वन अपॉन आर। ओके आपको ध्यान रखना है अगर इस तरह का केस फंसता है, अर्थात एक गोले के अंदर अगर दूसरा गोला आ जाए, सीधी सी बात है मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, अगर गोले अपोजिट हो तब कुछ और बात है, तब प्लस का साइन होगा, अगर एक गोले के अंदर दूसरा गोला आया तब की बात है। ओके ये तो होगा स्टेबिलिटी का केस, और अनस्टेबल के लिए क्या होगा, अनस्टेबल के लिए आपके पास जो फार्मूला होगा बेटा वो सीधा होगा वन अपॉन एच लेस देन वन अपॉन आर माइनस के वन अपॉन कैपिटल आर। याद रखनी है आपको ये सेकंड सिचुएशन। सेकंड बात करता हूँ, अगर बाय चांस सेकंड कंडीशन, अगर सपोज दैट इफ नीचे वाला पृष्ठ जो है, नीचे वाला सरफेस, यानी इसी सर इन दोनों सरफेस की बात कर रहा हूँ, नीचे वाला सरफेस आपका जो है समीप होगा, नीचे वाला सरफेस जो है आपका अगर समतल होगा, क्या है, अगर मेरे पास नीचे वाला सरफेस क्या हो, समतल हो, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई ऊपर तो ऐसे है ही, नीचे जो है समतल ऐसे प्लेन हो जाए ऐसे, ये सिचुएशन अगर हो
तो मेरे पास जो है, तो ये जो इसमें ये तो आर तो जो होगा तो रहेगा ही रहेगा, ये जो आर है ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो है, ये जो नीचे वाला आर है, आर बराबर इन्फिनिटी होगा तो कैपिटल आर इजिक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तब स्टेबल जो होगा बेटा, स्टेबल का फार्मूला होगा, स्टेबल के लिए होगा बेटा एच लेस देन आर, क्लियर, और अनस्टेबल के लिए होगा, अनस्टेबल के लिए होगा एच ग्रेटर देन आर। एक फार्मूला ये है आपको याद रखना है, दूसरा फार्मूला ये है आपको याद रखना है। क्वेश्चन के अंदर जो है ये साफ साफ गिवन होगा पहले से ही कि भाई मेरे पास जो है कर्व के अपोजिट साइड में, जैसे ये एक स्फीयर के अपोजिट साइड में स्फीयर रखा हुआ है, या स्फीयर के अंदर स्फीयर रखा हुआ है, या स्फीयर किसी प्लेट के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आपको साफ साफ मेंशन होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ऊपर वाली सरफेस स्फीयर की है और नीचे वाला जो है ना कोई प्लेन है, या एक गोले के अंदर गोला रखा है या एक प्याले के अंदर प्याला रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन के अंदर पहले से ही मेंशन होगी ये बात। ओके, आगे की तरफ अगली बात कर लेते हैं। अगर बाई चांस ऊपर वाला प्रश्न जो है, अब की बार ऐसा हुआ, अगर थर्ड केस, अगर ऊपर वाला प्रश्न, ऊपर वाला जो पृष्ठ है वो समतल हुआ, समतल हो अर्थात इस तरह का केस हो जाए, नीचे वाला तो गोला है ना, ऊपर वाला समतल है, अगर अगर इस तरह का केस होगा आपके पास, तब इक्विलिब्रियम जो है, स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबल के लिए आप क्या करोगे, स्टेबल के लिए आपका फार्मूला होगा बेटा एच लेस देन आर। ओके, और अनस्टेबल के लिए क्या होगा, अनस्टेबल के लिए आपके पास होगा एच ग्रेटर देन आर। ओके, और स्मॉल आर यहां भी इंफिनिटी होगा, और स्मॉल आर यहां भी इस केस में इंफिनिटी होगा, क्लियर है ना। बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही, अगले वाले क्वेश्चन के अंदर जो है मैं जेड टेस्ट का यूज़ करूंगा, या फिर चलो खैर जेड टेस्ट भी इसी के अंदर बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, जेड टेस्ट कैसे लगाना है, स्टेबल और अनस्टेबल के लिए जेड टेस्ट, ये पूरा हो चुका है, जेड टेस्ट फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ध्यान से सुन रहा बेटा, जेड एक्चुअलिटी में जेड क्या था, जेड जो है सेंटर की ऊंचाई थी, आप इसकी बात करो, जेड जो था ना, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है ना, ये वाली ऊंचाई थी। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करता हूँ या पिछले पार्ट की बात करता हूँ, तो जेड जो है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई थी। ओके, स्टेप नंबर वन, आप क्या करोगे, सबसे पहले जेड फाइंड आउट करते हैं, अर्थात प्लेन से या समतल से, प्लेन बोले तो समतल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट फाइंड आउट करते हैं, हाइट फाइंड आउट करते हैं। स्टेप नंबर वन तो आपको ये करना है, जेड टेस्ट। मैं आपको बताऊंगा किस क्वेश्चन के लिए जेड टेस्ट का यूज करना है। ओके, अगर रेडियस आपको नहीं गिवन होगी तब आप जेड टेस्ट का यूज करोगे, सीधी सी बात है,
मान लिया दो रेडियस आपको नहीं गिवन है, आप सेंटर की ऊंचाई कैलकुलेट करोगे और उसके ऊपर जो है जेड टेस्ट लगा दोगे। कैसे लगाना है? सबसे पहले सेंटर की ऊंचाई फाइंड आउट करोगे। नंबर दो, डी जेड ओवर डी थीटा फाइंड आउट करते हैं। नंबर तीन, डी जेड ओवर डी थीटा इज इक्वल टू जीरो रखते हैं। क्यों रखते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए। क्लियर? आगे नंबर चार, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, नंबर पांच, डी टू जेड ओवर डी थीटा टू फाइंड आउट करते हैं। कर लिया ना? अब ध्यान से सुनना, अब अगर डी टू जेड ओवर डी थीटा टू, थीटा इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर वैल्यू अल्फा पर, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ओके, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, और अगर बाय चांस ये उल्टा हुआ, डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू किसी वैल्यू अल्फा पर ये लेस देन जीरो अर्थात नेगेटिव हुआ तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब बेटा ये तो थियोरेटिकल पोर्शन तो कवर हो चुका है लगभग। अब आपको एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है, जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको जो है दो रेडियस गिवन होंगी तो तब आप डायरेक्टली जो है वन अपॉन एच वाला फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर इससे ऊपर वाला जो फार्मूला था वन अपॉन एच वाला, वो वाला फार्मूला यूज़ कर लोगे। ओके, अगर बाय चांस आपको जो है क्वेश्चन के अंदर कोई रेडियस नहीं गिवन है या रेडियस कैलकुलेट आप नहीं कर पा रहे हो, तब आप हर एक क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट जेड टेस्ट का यूज़ करोगे। ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया है, सिंपल जो एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है या फिर जो भी प्लेन आपको गिवन है या जहाँ पर भी पार्टिकल रखा हुआ है, जहाँ पर भी बॉडी रखी हुई है, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, जहाँ भी पार्टिकल रखा हुआ है, जहाँ भी बॉडी रखी हुई है, वहाँ से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कैलकुलेट करोगे जो जेड के बराबर होगी। और जेड के बराबर ये जो हाइट कैलकुलेट करने के बाद, उसके बाद डायरेक्टली आप बीएससी पार्ट वन पर पहुँचोगे, और पार्ट वन के या बीएससी पार्ट वन भी छोड़ो यार, आप ट्वेल्थ क्लास के मैक्सिमा मिनिमा पर पहुँच जाओ। वहाँ से आप डी जेड ओवर डी थीटा निकालो, या अगर आपने एंगल फाई लिया है तो डी जेड ओवर डी फाई निकालो। मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसको जीरो के बराबर इक्वेट करो। जीरो के बराबर इक्वेट करने के बाद जो है आप उसका डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर या डी फाई टू या जो भी एंगल आपने लिया है अल्फा बीटा, आप उसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। अगर बाय चांस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, आपको भी पता है मिनिमम के लिए पॉजिटिव होता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है पर्टिकुलर वैल्यू अल्फा के लिए या थीटा इजिकल टू अल्फा के लिए या फाई इजिकल टू अल्फा के लिए, जो भी आपके पास रिजल्ट आया है, तो तब आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर नेगेटिव है तब आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? कहीं ना कहीं जो है इससे लास्ट लेक्चर के अंदर मैं ये बात आपको बता चुका था बेटा कि जब जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मिनिमम हाइट के ऊपर होगा तब उस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसी समतल से किसी प्लेन से मैक्सिमम दूरी के ऊपर होगा तब आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, और एक बात और भी है बेटा, एक फार्मूला और भी है, चलो खैर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा मैं, ठीक है ना? ओके, बस यही थ्योरी है, आपको क्वेश्चन को पहचानना है। क्वेश्चन को पहचानने के बाद अगर डिस्टेंस, अगर आपको रेडियस दी हुई है, दो रेडियस या एक रेडियस
या दूसरा प्लेन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है, आपको पता है कि आर इन्फिनिटी कब होगा, स्मॉल आर इन्फिनिटी कब होगा, कैपिटल आर इन्फिनिटी कब होगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला सेट करना है, निकाल देना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये जो है चैप्टर बहुत ईजी है, घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है। हेल्प की ज़रूरत होगी तुम्हें। ओके बाय।